व्यापारी भाई नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मारूफगंज मंडी भाव। आज शुभ दिन बुधवार 8 जून 2022 को जान लेते हैं किन किन मसालों में तेजी मंदी रही, आज मसालों के क्या भाव रहे। व्यापारी भाई बात करते हैं मसालों की तेजी मंदी के बारे में, तो मसालों में लगभग सभी मसालों के भाव सामान्य बने हुए हैं। काली मिर्च के बाज़ार बढ़े थे ज़रूर, लेकिन फिर वापस 500 रुपये कुंटल घट गए हैं। और बात करें मसालों के भाव के बारे में, तो आज धनिया राजस्थान रामगंज मंडी वाली क्वालिटी अनुसार 120 से 130 रुपया तक बिक रहा है। धनिया अपना लोकल बिहार वाला आमदनी कमज़ोर पड़ चुका है, धनिया अपना लोकल बिहार वाला क्वालिटी अनुसार 110 से 115 रुपया तक बिक रहा है। धनिया दाल क्वालिटी अनुसार 95 से 100 रुपया तक बिक रहा है। लाल मिर्च तेजा क्वालिटी अनुसार 165 से 185 रुपया तक बिक रहा है। तेजा फटकी क्वालिटी अनुसार 125 से 130 रुपया तक बिक रहा है। हल्दी हिंगोली गट्ठा क्वालिटी अनुसार 74 से 76 रुपया तक बिक रहा है। हल्दी हिंगोली फिंगर क्वालिटी अनुसार 80 से 85 रुपया तक बिक रहा है। जीरा काका गोल्ड 250 रुपया में बिक रहा है। जीरा काका आरएम 248 रुपया में बिक रहा है। जीरा सेठ जी 1 किलो के पैक में 244 रुपया का बिक रहा है। जीरा केश अशोका 236 रुपया में बिक रहा है। काली मिर्च क्वालिटी अनुसार 540 से 590 रुपया तक बिक रहा है। पीली सरसों मोटी वाली 88 से क्वालिटी अनुसार 90 रुपया तक बिक रहा है। सरसों पीली महीन वाली क्वालिटी अनुसार 84 से 86 रुपया तक बिक रहा है। मेथी क्वालिटी अनुसार 65 से 67 रुपया तक बिक रहा है। अजवाइन क्वालिटी अनुसार 120 से 150 रुपया तक बिक रहा है। कलौंजी क्वालिटी अनुसार 140 से 170 रुपया तक बिक रहा है। तेज पत्ता क्वालिटी अनुसार 40 से 60 रुपया तक बिक रहा है। और व्यापारी भाई अपन मसालों के भाव जानने के लिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर के द्वारा संपर्क करके व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ के आप अन्य मसालों के भाव पूछ सकते हैं। और व्यापारी भाई अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी मसालों से संबंधित, मसालों में तेजी मंदी संबंधित, मसालों में भाव संबंधित जब भी नई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उससे लाभ उठाएं। धन्यवाद।